हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं आज हमारे पास एक Redmi Note 8 Pro हैंडसेट आया है जो कि शॉर्टिंग कंडीशन में था और डेड हैंडसेट हमको रिसीव हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसमें पावर आईसी को चेंज किया और पावर का चेंज करने के बाद ये देख सकते हैं हैंडसेट ऑन तो हो गया बट इसमें ग्राफिक इशू आ रहा था, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर। तो CPU भी इसमें रिबॉल कर लिया है फ्रेंड्स हमने, और ग्राफिक आईसी भी इसमें चेंज कर ली थी और MMC भी इसमें रिबॉल कर ली है और फ्लैशिंग भी हमने इसमें कर लिया। बट आप जैसे कि देख सकते हैं, एक और बार ऑन करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले Redmi का एक लोगो आता है और जैसे ही ये सेकंड लोगो पे जाएगा उसके बाद हैंडसेट में से ग्राफिक जो है आपका चला जाएगा। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या था ये आगे जाकर बताऊंगा कैसे हमने सॉल्व किया। वीडियो स्किप मत करिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। ये देख सकते हैं, फर्स्ट लोगो आता है, ग्राफिक भी आता है, लाइट भी आती है, हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन होता है और स्लीप मोड में चला जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले ब्लिंक करता है, देख सकते हैं कैसे फ्लक्चुएशन कर रहा है। ऐसे में आप सोच के अगर CPU रिवॉल करेंगे तो आपका फ्रेंड्स काम होने वाला है नहीं। इसमें CPU रिवॉल किया हमने, ग्राफिक आईसी चेंज की इसमें और MMC रिवॉल की, फ्लैशिंग की, प्रोग्रामिंग की, बट हैंडसेट सेम कंडीशन में था। तो सबसे पहले हमने इसमें CPU चेंज किया, ओनली CPU चेंज करके हमने इंजीनियरिंग फाइल से इसको ऑन कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। और सिक्योरिटी हमने इसमें रिपेयर की है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ग्लोबल फाइल से इसको फ्लैश किया फ्रेंड्स, और ग्लोबल फाइल से फ्लैश करने के बाद तब जा कर के हमारा हैंडसेट ये देख सकते हैं अभी ऑन हो रहा है। दोस्तों, ग्राफिक इश्यू समझकर हम CPU रिवॉल्व करेंगे या ग्राफिक आईसी चेंज करेंगे या कनेक्टर आप चेंज करेंगे या फ्लैश करेंगे तो आपका प्रॉब्लम होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई भी MI का हैंडसेट आता है जिसके अंदर इस तरीके का ग्राफिक इश्यू होता है तो आपको CPU चेंज करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम उसी CPU पे काम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमने कनेक्टर के GR लिए, उसको हमने वोल्टेजेस चेक किया, सब कुछ हमको मिल रहा था और कनेक्टर हमने रिप्लेस किया, CPU को हमने रिवॉल्व किया, MMC को रिवॉल्व किया, फ्लैशिंग हमने की, प्रोग्रामिंग हमने की इसमें, ग्राफिक IC हमने चेंज की, पावर AC ऑलरेडी चेंज की, तब जाकर के हैंडसेट हमारा ऑन हुआ। लेकिन फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने CPU को चेंज किया, उसके बाद हमारा हैंडसेट आप देख सकते हैं ऑन हो रहा है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, 20 सितंबर से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, UFS वगैरह। इसमें UFS आती है Note 8 Pro में, BGA 254 UFS होती है इसमें। अगर आपको ऑनलाइन हमसे हार्डवेयर की ट्रेनिंग लेनी है, सर्किट डायग्राम स्केमेटिक की नॉलेज लेनी है, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, डेड मोबाइल कैसे बनाया जाता है, कैसे चेकिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ मैं लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। DSO की लाइव चेकिंग होगी, तो सारा चीज़ आपको ऑनलाइन क्लास में मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। देख सकते हैं UFS और CPU हमने इसमें CPU में चेंज किया है और UFS हमने पहले वाला ही यूज़ किया। थैंक यू।